टू माय चैनल प्रतिमास लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। आज का वीडियो जो है वो भी किसी रेसिपी से ही रिलेटेड है। कुछ बनाने जाऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। कैसे शुरू करूँ बोलना ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इतने अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं और आप लोग सभी लोग इतना पसंद कर रहे हैं। मैंने ऐसा सोचा नहीं था जब मैं ये चैनल स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि जैसी मैं हूँ मैं वैसे अपने आप को पोर्ट्रेट करती हूँ। कुछ भी मैंने प्लान करके नहीं करती हूँ कि आज ऐसा करूँगी कल वैसा करूँगी, ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने। तो जैसे मैं कोई क्लीनिंग वीडियो बना रही हूँ तो जैसे घर क्लीन कर रही हूँ तो उसको मैंने आपके साथ शेयर किया, या फिर कुछ रेसिपी जो मैं बनाती हूँ उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप सभी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और अलग अलग कंट्रीज से मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मुझे मेल आता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आपका क्लीनिंग वीडियो देखकर हम इंस्पायर हुए और हमने भी क्लीन करा और थैंक्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी कंट्रीज में तो जाना उतना पॉसिबल नहीं है, अगर कभी वर्ल्ड टूर का मिला मुझे मौका तो मैं ज़रूर वर्ल्ड टूर करना पसंद करूंगी। लेकिन इस बात की खुशी मुझे सबसे ज़्यादा है कि हर कंट्री में या बहुत सारी कंट्री में मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे सब जगह से मैसेज आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप सभी फ्रेंड्स को मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप सभी लोग मुझे देखते हैं और पसंद करते हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो केदार को मुझे और श्रियाम तीनों को ही बहुत पसंद है। जो डिश मैं बनाने जा रही हूँ उसे आप रोटी चपाती या फिर आप उसे ऐसे भी खा सकते हैं। बाहर से थोड़ा सा नॉइज़ आएगा क्योंकि यहाँ बालकनी है, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए जल्दी से किचन में जाते हैं और बनाना शुरू करते हैं। मैंने सोचा पहले आपसे थोड़ा सा कुछ बात कर लूँ, उसके बाद शुरू करूँगी, क्योंकि ये भी तो मेरे को बोलना ज़रूरी है ना, आप सभी से बात करना भी तो ज़रूरी है, आप सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन। एंड जो मेरे अभी चैनल पे नए हैं उनको मैं बहुत वेलकम करती हूँ, और धीरे धीरे सारी वीडियोस आपसे शेयर होती जाएंगी। थैंक यू सो मच, चलिए चलते हैं किचन में। हे फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको आप हिट करिए। आप इसे जैसे ही हिट करेंगे एक बेल आपको बगल में दिखाई देगी, आप उसे भी हिट करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करूं तो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, मैंने आधा केजी अरबी ली है और इसे धोकर अच्छे से बॉइल कर लिया है। इसे हम उसी तरीके से बॉइल करेंगे जैसे हम आलू बॉइल करते हैं। अब मैं इसको पील कर दूंगी, इसका छिलका निकाल दूंगी। ज़्यादा बॉईल नहीं करना है नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पक जाती है। बस ऐसे इसका पूरा छिलका हम निकाल देंगे और सारी अरबी के छिलके मैं इस तरीके से निकाल दूंगी। ये बहुत जल्दी बन जाती है डिश और बहुत टेस्टी भी लगती है, बहुत ही टेस्टी। वैसे तो इसे अरबी बोलते हैं लेकिन कुछ लोग इसे गुइया भी बोलते हैं, तो कुछ भी नाम से आप बुला सकते हैं, मार्केट में ये दोनों नाम से अवेलेबल होती हैं। और जब हम इसे छील लेंगे तो इसे हमें इस तरह से प्रेस करके और रखना है। सारे ऐसे ही हम करेंगे। ये देखिए, मैंने सारे पील कर दिए हैं और उनको अच्छे से प्रेस भी कर दिया है। एक पैन लूंगी और उसमें ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, और ये जितने भी पीसेस हैं इनको मैं रख दूंगी। जितने भी इसमें बन जाएंगे इजीली। अब इसमें मैंने स्प्रिंकल किया ऊपर से अजवाइन, टर्मरिक पाउडर, इस तरीके से डाली कि सब में थोड़ा थोड़ा चला जाए अच्छे से।
कोरिएंडर पाउडर, चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर है ये, और सॉल्ट, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि हमें फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच में रखनी है, इसे लो फ्लेम पर नहीं बनाना है क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुके हैं। इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक हमें पकाना है। और अभी देखते हैं श्रिया क्या कर रही है, क्योंकि अभी तक तो मैं किचन में ही थी, उसे मैंने देखा नहीं है। तो चलिए, और ये देखिए श्रिया क्या कर रही है, उसको एक प्रोजेक्ट बनाना है। हाय बोल रही है। सुनो बेटा, बताओ कि इसमें तुमने कैसे बनाया है। सबसे पहले तुमने इसमें फेविकॉल लगाया ना? हाँ मम्मी, सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल ली, फिर उसका टॉप पोर्शन जो होता है वो मैंने कट किया। ओके। फिर उस टॉप पोर्शन को कट करके मैंने इस जो ये जो पोर्शन बचा हुआ है उस पे मैंने ग्लू और पानी जो मिक्स करते हैं, एक पेस्ट बनाया ना उसको, बनाया था। हाँ। और उस पे मैंने लगाया, और साथ में न्यूज़पेपर भी मिक्स करके लगाया था। तो ये न्यूज़पेपर को के छोटे छोटे टुकड़े करे और उसको फिर चिपकाया फेविकॉल की हेल्प से, है ना? करेक्ट। और हाँ। फिर वो ऐसा बन गया है। हाँ हाँ। और अभी मैंने इस पे पेंट कर दिया था स्केच पेन से आउटलाइनिंग करके। हाँ। तो ये अभी तक ऐसा बना है। तो एक कंटेनर जैसा बन जाएगा ना? हेयर जैसा बन। अच्छा, हेयर बनाओगी? ओके ओके ओके। चलो ठीक है, फिर मैडम को देना है ना, कल सबमिट करना है? नहीं, कल तो नहीं करना है, एक दो दिन में करना होगा ना। वैसे रियलिटी में तो अपने शौक के लिए बना रही हूँ। शौक के लिए बना रही? बदमाश, पढ़ाई कर ले। वो तो मेरी कर ली मम्मा। ओके बेटा, तो चलिए अब अगला काम करते हैं। ये तो श्रिया तो बिजी है, कुछ ना कुछ करती रहती है, खटर पटर सारे मेरे पेंट लेके बैठी है। और ये दूसरी साइड से भी अच्छे क्रिस्प हो गए हैं, इसको हम वापस पलट देते हैं। देखिए क्या कलर आया है इसका, बहुत ही अच्छा। और जितना अच्छा ये दिखने में लग रहा है उतना अच्छा खाने में भी लगता है। थोड़ा सा लेमन हम स्क्वीज़ करेंगे, लेमन ज़रूर डालिएगा, उसके बिना इसका टेस्ट सही नहीं आएगा। ये बीज गिर गया है, इसको मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो ये मुंह में आएगा। आधे तो हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं और आधे हम लोग डिनर के साथ या लंच के साथ खा लेते हैं, क्योंकि ये वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है। सॉस या चटनी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। अभी थोड़ा सा इसको मैं और फ्राई करूँगी और फिर इसकी प्लेटिंग एक बोल में निकाल लेती हूँ सारे जो अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। और गरम गरम तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी बनाइए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये डिश आपको कैसी लगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।